आज का मौसम बहुत ही जहरीला हो रहा है। वेलकम टू माय चैनल शान एडा इंटरटेनर। और आज हम बात करने वाले साहिल शाह। साहिल शाह ने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले। तो उसके बाद उसकी पिटाई लगी। पिटाई लगने के बाद फिर उसने माफी मांगी है। हेलो, मेरा नाम साहिल शाह है और बहुत साल पहले मैंने एक स्टैंड अप वीडियो रिलीज किया था जो चेस के बारे में था। उस वीडियो में मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक जोक मारा था और मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने वो जोक किया। जब मैंने वो जोक किया मुझे पता नहीं था कि ये किसी को ऑफेंड कर सकता है या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है या किसी को दुख दिला सकता है। और अगर लोग वो वीडियो देख के गुस्सा हो रहे हैं, मैं वो गुस्से को समझ सकता हूँ। और मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जोक करना ही नहीं चाहिए था। एंड वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। और हेंसफोर्थ अगर मैं कुछ भी कॉमेडी करूंगा तो मैं सोच समझ के करूंगा और रिस्पॉन्सिबली करूंगा। और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं बारिश में। बारिश हो रही पीछे, आप देख सकते हैं इतना स्ट्रगल चल रहा है। तो आदर मलिक ने एक वीडियो बनाया था। देयर इज गणपति आवर गॉड सिटिंग देयर एंड वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम डूइंग दिस। Calm down, what strategically placed care, they're delicate, all right? Just calm down. They mow the papa, they. No more sugar for you. Just give it back. Give it. They chua chhod dunga tere pe. Just calm the head down. तो आदर मलिक का वीडियो देखिए, उसने भी माफ़ी मांगी। अगर इन लोगों ने कोई गलती नहीं करती, सिर्फ जोक था, तो माफ़ी क्यों मांगी? पता है ना, हर्ट हुए, प्रॉब्लम हुई है, ठेस पहुंची है ना, इसलिए। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। मेरे कुछ वीडियोस हैं जिनके क्लिप्स अभी शेयर हो रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। आई एम रियली रियली सॉरी अगर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। एंड इफ एनीबडी हैज गॉटन ऑफेंडेड बाय दिस वीडियोस, हम ये 8 साल पुराने वीडियोस हैं एंड दे हैव बीन थोड़ा टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, टेकन आउट ऑफ टाइम। हम उस वक्त कॉमेडी सीख रहे थे, हम नए नए जोक्स लिखना शुरू कर रहे थे। एंड इफ आई हैव हर्ट एनीबडीज सेंटिमेंट्स, इफ आई हैव हर्ट एनीबडी and offended anybody, again I apologize. तो जोक बनाना, तो अगली बार से जब जोक बनाना तो पहले 10 बार सोच लेना इन चीज़ों के बारे में, ठीक है? अब वो टाइम नहीं रहा कि हम सुन के ले लेते थे, अब वो टाइम चला गया है, समझ में आ रही है? तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, शुभम मिश्रा ने जो करा वो करा, उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है, मिल रही है उसको। लेकिन तुम लोग जो मजाक उड़ा रहे हो, ये तो बंद होगा अभी। सारा जो तुम सोच रहे हो, सारा केसेस जो भी है, सारा सबका ध्यान उस साइड खींच लोगे, शुभम मिश्रा की साइड। अरे उसका तो हो गया, उसकी ख़त्म हो गई बात वहीं। उसको जो होना होता, हो जो होना था वो हो गया। लेकिन जो मजाक कर रहे हैं, जो भगवान जो रिलीजन पे मजाक बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, बुलिंग करते हैं हमारे इंडियन आइडल्स को, तो वो सब थोड़ा संभल के। चलो, बाय।